और गाइस ये बहुत अच्छी बैंकॉक स्ट्रीट फूड मार्केट लगती है गाइस, बहुत ही अमेजिंग सी लग रही है गाइस। मेरे को बस यही डर लग रहा है कि मेरे से कुछ टच ना हो जाए, मन तो कर ही नहीं रहा यहाँ से जाने का गाइस। कैसे करें, मैं अपने आप को ऐसे ही गिल्टी फील करा रहा था। पता चलता है पकौड़े बनने बात है गाइस, कुछ दीवाना सा हो गया मैं लगता है बारिश में। रुको जरा सब्र तो करो थोड़ा गाइस। इन भाई साहब को देखो, ये पानी अंदर नहीं आने लगे मॉल के, इनकी पूरी डेडिकेशन है इस चीज़ की, और ऐसे झुक झुक के थैंक यू करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। अरे भाई साहब एक मिनट साइड हो जाओ, हमारी वीडियो चल रही है। यही सब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, आप देखो रुकेगा नहीं बंदे की डेट, इतना डेडिकेट होके काम कर रहा है। तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है बिग सी सुपर सेंटर बाहर से। और गाइस ये एक बहुत अच्छी बैंकॉक स्ट्रीट फूड मार्केट लगती है, जिसको हम ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन बारिश बहुत हो रही है, जाए कैसे वहाँ पर। गाइस पूरे गीले होते हुए आ चुके हैं इस स्ट्रीट मार्केट में, जो कि गाइस बहुत ही अमेजिंग सी लग रही है, देख सकते हैं आप। गाइस ये सब नॉनवेज का सामान है, और ये कुछ वाटरमेलन, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। गाइस बना कितनी सुंदर रखी है गाइस, मेरे को बस यही डर लग रहा है कि मेरे से कुछ टच ना हो जाए गाइस। आपको बताना मेरे को थोड़ा सा इन चीज़ों से। गाइस ये देख सकते हैं बहुत सही नूडल्स बन रहे हैं यहाँ पर, और ये कुछ क्रैब्स हैं, और ये कुछ फ्रूट्स हैं, ये देख सकते हैं। गाइस मैं लगता है ना ये कोकोनट टिपिकल। कुछ जूस और गाइस यहाँ कुछ कॉर्न मिलते हुए जो कि आप ले सकते हैं, और एकदम क्रैब के साथ ही रखे हैं, तो अच्छे से क्रैप की खुशबू उसके अंदर घुसते हुए। तो यार गाइस बारिश में पूरे गीले हो गए हैं यहाँ पर आने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया, बस निकलना चाहता हूँ किसी भी तरह से यहाँ से, नाक में पूरी स्मेल आ चुकी है। और गाइस ये देखो कितनी सुंदर सी ड्रिंक बन रही है गाइस, कितना अमेजिंग नज़ारा है, यहाँ तक आ रही है बौछारें, मन तो कर ही नहीं रहा यहाँ से जाने का गाइस। कैसे करें, मन कर रहा है यहीं खड़े रहें, कैसे करें गाइस, समझ नहीं आ रहा कुछ भी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा अमेजिंग बारिश मैंने बहुत दिनों बाद देखी, और इतनी तेज़। हमारे यहाँ कभी कभी बारिश आती तो है, लेकिन गाइस ज़्यादा आती है फिर थोड़ी देर में रुक जाती है, और जब आती बिना नॉर्मली मैं इंडोर ही होता हूँ। इतनी सही हवा चल रही है ना भाई, और अभी सुबह इतनी गर्मी थी ना, आई वॉज लाइक टोटली स्वेटिंग। इसका मतलब शाम को ही निकलना ठीक है गाइस, ज़्यादा सुबह ना निकलें, सुबह गर्मी होती है शाम को बारिश हो जाती है इन दिनों। तो आई वॉज राइट कि मैं थोड़ा देर से ही निकलता था, मैं अपने आप को ऐसे ही गिल्टी फील करा रहा था। इतनी तेज़ और इतनी बढ़िया बारिश है, मन कर रहा है बस बंद ही ना हो बारिश, क्योंकि बारिश आने के बाद थोड़ी देर में घुस बंद हो जाती है ना, तो वो मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। पता चलता है पकौड़े बनने बाद में, पकौड़े बाद में बनने, जैसे बनने शुरू होते हैं पकौड़े, इतनी इतनी देर में बारिश ही आ जाती है गाइस। बारिश बंद हो, पता नहीं क्या बोले जाऊँ मैं, इतनी देर में बारिश ही बंद हो जाती है। ऐसा बहुत बार हो चुका है गाइस मेरे साथ, गाइस को दीवाना सा हो गया मैं लगता है बारिश में, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरे को तो, बहुत दिनों बाद गाइस ऐसा कुछ मज़ा आया मेरे को ऑनेस्टली। और गाइस एक चीज़ बहुत सही दिखा हुआ आपको, जैसे यहाँ पर चटनी है ना, और सामने अगर किसी को स्टोर में जाना है तो ये अपनी अम्ब्रेला लेके खड़े हैं, सबको छोड़ के आएंगे, सॉरी, और ये लेके भी आएंगे, देखो कहीं गीली नहीं हो जाए पार्टी। थोड़ी सी जगह पर ही चटनी है बस, जो कि ऊपर है शर्ट, बीच में थोड़ा सा नहीं है, तो इन्होंने फटाफट तीन चार लड़के लगा के ये काम पर लगा दिया, जो कि बहुत ही सही है। आई थिंक ये बात सही लगती है, मुझे कस्टमर केयर बोलते हैं गाइस इसको, इसको ट्रूली कस्टमर केयर बोल सकते हैं। अरे भैया वाइपर लगाने का क्या फ़ायदा है, बारिश तो आएगी अभी,
रुको जरा, सब्र तो करो थोड़ा। अच्छा गाइस, अंदर नहीं आने देगा पानी को मॉल के, इसका काम यही है। मेरे को लगता है थाई कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का है, दे रियली केयर अबाउट ईच अदर, और ऐसे झुक झुक के थैंक यू करते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। भाई ये दो बंदे भी देखो, एक करके आ ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं, जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे ही आते जाने। और अभी तो इससे पहले बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। और गाइस इन भाई साहब को देखो, ये पानी अंदर नहीं आने देंगे मॉल के, इनकी पूरी डेडिकेशन है इस चीज़ की। और एक मैनेजर भी खड़ा कर रखा है इसी काम के लिए। अब देखो जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे, ये छतरी लेके खड़े हैं, एक बूंद भी पानी नहीं गिरने देगा गाइस ये। ये देखो, और दूसरे के लिए एकदम भागा है कि पीछे से दूसरी मैडम आएगी, एक बार में दो ही जाएंगे। ये देखो गाइस, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी, इसको बोलते हैं कस्टमर केयर, और इसको बोलते हैं कल्चर। और यहाँ बाद में देखना गाइस, ऐसे झुक के थैंक यू बोलते हैं ना, इतना सही लगता है मेरे को। अब देखना जैसे मैडम जब निकलेगी ना, तो झुक के बोलेगी थैंक यू। ये मेरे को बहुत सही लगता है इनका कल्चर। ये देखो भाई, देखा आपने कैसे गर्दन झुकाई, कभी कभी तो नमस्ते भी करते हैं हाथ जोड़ के। पानी ऊपर एक पड़ना नीचे बूंद इनके ऊपर, और ऊपर जबकि आप देखो थोड़ा सा शेड है, बस साइड की बूंद ही आ रही है, ज़्यादा भी नहीं आ रहा। तो यार भाई, मेरे को तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नोट करने में बहुत सही लगता है। देखो अभी ये तीन लोग निकलेंगे ना। अरे भाई साहब एक मिनट साइड हो जाओ, हमारी वीडियो चल रही है, ये सामने आ चुके हैं। और ये देखो भाई, और अब ये थैंक यू देखना कैसे बोलेंगे। इन्होंने नहीं बोला, लगता है ये थाई के नहीं है। तो भाई मेरे को तो ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करने में बहुत सही लगता है, कैसे क्या लोग, किसका क्या कल्चर। और आपने नॉर्मली और चैनल्स पे ऐसी चीज़ें नहीं देखी होगी, लेकिन मेरे चैनल पे अभी छोटी छोटी चीज़ें जरूर देखोगे, जो मेरे लिए लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और यही सब मैं ऑब्जर्व करता हूँ। आप देखो रुकेगा नहीं बंदे की, कितने डेडिकेट होकर काम कर रहा है। और कुछ फिर इनका भी तो अपना लालच है, बारिश में ग्राहक ही नहीं आएंगे तो ग्राहक छूट जाएंगे, फिर भी सही है, नॉट बैड। मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ आपको। तो गाइस कुछ ऐसा था आपके लिए एक और नया नज़ारा थाईलैंड कल्चर का, एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड। भाई बहुत ही सीधे लोग हैं बेचारे, कुछ बोलते नहीं हैं, एकदम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, बाकी और किसी का ख़राब एक्सपीरियंस होगा तो मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी है कुछ लोकल बसेस, जो आई थिंक एयर कंडीशन है और येलो कलर की हैं, और मैंने कुछ ब्लू कलर की भी देखी है। लेकिन कहीं इतनी तेज़ बारिश में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो कहीं पानी जमा नहीं होगा रोड पे, इतना बढ़िया वाटर सिस्टम फ्लो बना रखा है। और गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बारिश है, और बारिश होते ही कितना लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसीलिए आप देख सकते हैं ब्लू लाइन और येलो लाइन की बसें और रेड लाइन की बसें तीनों आपको दिख सकते हैं जाम में फंसी हुई। इसीलिए मैंने कहा था बस में आपको पैदल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो गाइस यार आई होप यू लाइक द वीडियो, और बारिश ने तो इस वीडियो का मज़ा डबल ही कर दिया है। और गाइस मिलते हैं फिर एक और अगली अच्छी सी वीडियो में, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और आते रहिए गाइस इसी चैनल पे वापस। तो गाइस थोड़ी देर और आप मज़ा लीजिए बारिश का, और उसके बाद इस वीडियो को यहीं रैप करेंगे गाइस। सी यू गाइस, बाय बाय कहना तो मैं भूल ही गया आपको।